नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। ईपीएफ पर नहीं लगेगा टैक्स, ईपीएफ में सिर्फ ब्याज पर लगेगा टैक्स। वेतनभोगी वर्ग की चिंता दूर करते सरकार ने कहा है कि पीपीएफ निकासी पर कर नहीं लगेगा और बजट प्रस्तावों के तहत सिर्फ कर्मचारियों द्वारा 1 अप्रैल के बाद ईपीएफ में किए गए योगदान पर जो ब्याज मिलेगा वही कर के दायरे में होगा, और जबकि मूल राशि पर छूट बरकरार रहेगी। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि ईपीएफ निकासी के समय उसके 60% हिस्से को कर के दायरे में लाने के प्रस्ताव से केवल 20% ऐसे कर्मचारी ही कर के दायरे में आएंगे जो उच्च वेतन पाते हैं। अधिया ने कहा कि मूल राशि पर कर नहीं लगेगा और इसकी निकासी पर कर छूट बरकरार रहेगी। अमेरिका ने तेज किया इस्लामिक स्टेट के खिलाफ साइबर वार। अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने जिहादियों के खिलाफ पिछले 18 माह से चल रही साइबर लड़ाई की गति पकड़ने का दावा करते हुए कहा है कि पेंटागन इस्लामिक स्टेट के कंप्यूटर तंत्रों के खिलाफ अपने साइबर युद्ध को विस्तार दे रहा है। रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर और अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल जो डनफोर्ड ने बताया कि अमेरिका आईएस विरोधी अभियान को गति देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि साइबर युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें बढ़ रही है। टी20 विश्व कप के भारत पाक मैच पर अनिश्चितता। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित विश्व टी20 मुकाबले पर अनिश्चितता के बादल छा गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार इस मैच के लिए सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती। बीसीसीआई इससे मुश्किल में घिर गया है और भाजपा सांसद और बोर्ड सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राज्य को खेल पर राजनीति नहीं करना चाहिए। भारत पाक के बीच यह मैच 19 मार्च को धर्मशाला में खेला जाना है। मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में ठाकुर ने कहा कि राज्य को महीनों पहले कार्यक्रम की जानकारी थी और उस समय उन्होंने ऐसी किसी चिंता के बारे में नहीं बताया। पाकिस्तान ने भारत के सबूतों पर कार्रवाई की, किरण रिजिजू ने कहा। पठानकोट स्थित वायुसेना स्टेशन पर हाल में हुए आतंकी हमले के संबंध में सरकार ने मंगलवार को कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने ऐसे किसी मामले में भारत की ओर से उपलब्ध कराए गए सबूतों के आधार पर कार्रवाई की और घटना में संलिप्त पाकिस्तानी नागरिकों की भूमिका की जाँच के लिए एक मामला दर्ज किया। लोकसभा में सुमेधानंद सरस्वती और संतोष अहलावत के प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि देश के विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों पर विचार के लिए समिति का गठन किया गया है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तेलंगाना के खम्मम में मुठभेड़ के दौरान 6 माओवादी मार गिराए। तेलंगाना के खम्मम जिले और पड़ोसी छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा के निकट मंगलवार तड़के पुलिस के साथ मुठभेड़ में कम से कम 6 माओवादी मारे गए। तेलंगाना पुलिस के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बताया कि तेलंगाना के नक्सल रोधी बल ग्रेहाउंड्स और विद्रोहियों के बीच छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे एक वन क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल से 8 हथियार बरामद किए गए हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।